ऑलरेडी मोर देन 1 लाख रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं कमिटी के पास में, और कमिटी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें टारगेट दिया हुआ है विद इन 3 वीक्स आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं उसका तुरंत उसका एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि एक फेयर वे में इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, एनटीपीसी में शॉर्टलिस्टिंग में कितने होने चाहिए यूनिक कैंडिडेट्स। दूसरा, ग्रुप डी यानी लेवल 1 का एग्जाम सिंगल स्टेज होना चाहिए या डबल स्टेज होना चाहिए, राइट? तो ये 2 बड़े इश्यूज हैं। तीसरा मुद्दा है कि भाई टेस्ट का लेवल कैसा हो, हाई है, बहुत ग्रेजुएट ज्यादा आ जाएंगे 10+2 कैटेगरी में, संवैधानिक व्यवस्था है उसी फ्रेमवर्क में हम सब काम करेंगे। तो इन तीनों का समाधान करने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं, टाइमलाइन लेके काम कर रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, सेवा की भावना के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मन में, हमारी नियत में, हमारे तरीके में, हमारे प्रोसेस में कहीं पे कोई कहीं पे संदेह की बात ही नहीं है। हमारे छात्रों की जो भावना है उस भावना को हमने महसूस किया हुआ है, उसके साथ संवेदनशीलता से डील कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एकदम खुले में प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम ट्रांसपेरेंटली इसके ऊपर काम करें। मंत्री जी, मेरा सवाल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एनकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आपको यहां पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं धनंजय प्रताप सिंह के नाम से। और आप लोग यहां पे एक चीज़ में फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी एनकेडमी में 20 तारीख को होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप लोग जीत सकते हैं लैपटॉप, मोबाइल, ईयरबड, और ये आपके जो कह सकते हो सब्सक्रिप्शन है उसमें डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि बैंक का जो टेस्ट है वो 10 बजे होगा, SSC का 2 बजे और रेलवे का 5 बजे ये एग्ज़ाम टेस्ट होगा। तो आप लोग इसमें भाग जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप लोगों को इनाम मिलेगा जो भी टॉप आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग प्लस कोर्स लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं, प्लस के रेलवे का और SSC का मिल के मिल जाएगा आपको काफ़ी सस्ता, 12 महीने का 6,999 का मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मेटेक्सा कोड का यूज भी कर सकते हैं।